लो दोस्तों, तो क्या कहूँ यार, पंजाब पंजाब पंजाब, मतलब पंजाब का कोई भी मैच हो और धमाकेदार में ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट सीज़न के आप मैच उठा के देख लीजिए और आज का मैच भी देख लीजिए, मतलब आप चाहे किसी भी टीम के फ़ैन हो यार, किसी भी टीम के, लेकिन अब जब पंजाब का मैच देखोगे ना तो यार आपको लगेगा यार ये मैच देखना चाहिए। मतलब हर मैच उसका एंटरटेन से भरा होता है। आज फुल और एंटरटेन था मैच में, इतना धमाल हुआ, इतना मज़ा आया देख के, दिल खुश हो गया। आज का दिन बन गया, आज दो मुकाबले थे दिल्ली और मुंबई, वो मुकाबला भी बहुत शानदार था, और शाम को था आरसीबी वर्सेस पंजाब। मतलब क्या मैच था यार, मतलब देख ऐसा मन कर रहा था कि यार ख़त्म ही ना हो, ख़त्म ही ना हो, इतना मज़ा आ रहा था देखने में सच्ची में। बहुत पावर हिटर था, बहुत पावर हिटर था, बहुत पावर हिटर था। क्या रन बने आज के दिन, 400 से ज़्यादा रन बन गए, मतलब सुपर से ऊपर संडे गया आज का। बहुत शानदार ब्रिलियंट बैटिंग दोनों टीमों ने, पहले आरसीबी ने फिर पंजाब ने। पंजाब ने क्या चेस किया यार, देखो बहुत 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 मज़ा आया सच में देखने। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार बैटिंग की, उन्होंने भी आज का आरसीबी ने भी आज बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग की शुरू से ही। मतलब बस शुरुआत थोड़ी धीमी की, लेकिन बाद में क्या डुप्लेसिस ने धोया है यार भाई, मतलब बाद में क्या डुप्लेसिस ने धोया है दोस्तों। बहुत शानदार 88 मार के चला गया बंदा, जो शुरू से एकदम धीरे धीरे खेल रहा था, शतक चुक गया, लेकिन बहुत बहुत अच्छा खेला। और विराट कोहली भी अच्छे फॉर्म में थे, वो रिलैक्स मोड में थे, कैप्टेंसी नहीं की उन्होंने आज, तो रिलैक्स मोड में थे और अच्छे मार के गए, वो भी 41 मारे उन्होंने भी। उसके बाद दिनेश कार्तिक, यार दिनेश कार्तिक भी बहुत फटाफट मार के धोधा के चला गया 14/32 मार के गया वो भी। मतलब बहुत अच्छा गेम था, पहली पारी बहुत अच्छी थी आरसीबी की, बहुत शानदार 205 रन बनाए उन्होंने, सिर्फ दो ही विकेट हुए थे उनके, लेकिन क्या मस्त खेले थे, मज़ा आ गया था। मतलब देख के लग रहा था कि यार पंजाब क्या बनाएगी, मतलब पंजाब को हर मैच ऐसा होता है ना कि फिर कम टारगेट का हो, ज़्यादा टारगेट हो, वो मैच उसे फंसा के रखती है, एकदम रोमांच बना रहता मैच का। तो आज भी मतलब आज लगा था कि यार मैच में मज़ा तो बेहतरीन आएगा, और आया, बहुत मज़ा आया यार। पंजाब को मैच और मज़ा नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत 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 मज़ा आया। पंजाब जब चेस करने के लिए आई तो मयंक अग्रवाल कैप्टन और शिखर धवन ओपनिंग करने आए, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी, दोनों ने बहुत शानदार शुरुआत दी। पहले मयंक अग्रवाल आउट है, फिर शिखर धवन गए, फिर राजपक्षे। अरे मतलब यकीन नहीं था श्रीलंका बैट्समैन ऐसे खेल सकते हैं, मतलब हर्षरंगा राजपक्षे, हर्षरंगा आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, राजपक्षे पंजाब की तरफ से, मतलब क्या मारा बंदे ने, बहुत शानदार बैटिंग की उन्होंने भी। यकीन नहीं थी श्रीलंका के बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर सकते थे, मतलब लास्ट ईयर आईपीएल में तो श्रीलंका का कोई था ही नहीं, और इस साल है, तो इस साल वो पंजाब में है, और क्या मारा उसने, बहुत मूड फ्रेश करते हैं लो आज के मैच में, इतना मज़ा आया। फिर लिविंगस्टन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, हालांकि 19 रन बनाए, बट बहुत मस्त। लिविंगस्टन भी बहुत अच्छे तरीके से लंबे लंबे शॉट मारता है, और लास्ट में मतलब ऐसा होता है कि मैच फंस जाए, पर इस बार बच गया शाहरुख खान और ओडियन ने क्या दिए लास्ट में, लंबे बहुत अच्छे। शाहरुख खान और ओडियन ने जो लास्ट में जो पावर हिटर दौर है पंजाब के पास सबसे सही है, क्योंकि ये लास्ट में किसी भी 5 ओवर में 50 रन या 3 ओवर में 50 रन भी बना सकते हैं, इतनी पावर हिटिंग है इनके पास। मतलब इस बार की जो पंजाब की टीम बनी ना, वो बहुत शानदार बनी हुई है, और अभी बेस्ट्रो और रबाड़ा है नहीं टीम में, उनके आने के बाद टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अभी तो है ही लेकिन उनके आने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि मैक्सवेल आज आरसीबी की तरफ से नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वो मौजूद नहीं थे इसलिए, पर मैच का रोमांच यार क्या आया, बहुत मज़ा आया देख के। आज संडे का तो दिन बन गया सही में, बहुत शानदार था आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच। हाईलाइट जरूर देखना अगर मिस किया है तो, क्योंकि 200 प्लस आरसीबी ने बनाया और 200 प्लस पंजाब ने चेस किए है, मतलब क्या मैच रहा होगा सोचो यार क्या धनाधन छक्के लगे आज, बहुत मस्त मज़ा आया, मस्त मूड बन गया आज के दिन, मज़ा आ गया मैच देख के। हर मैच के लिए बने रहिए मस्ती के साथ।